नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सनी का जायका में। आज हम मिठाई बनाएंगे सिर्फ 25 रुपए में, वो भी एक कप दूध और एक कप पानी से, सिर्फ 10 मिनट में। ये कोई शाही मिठाई से कम नहीं है, जो कि खाने में तो लाजवाब है ही और साथ में मुंह में घुलने वाली मिठाई है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। देखिए, एक कप हमने पानी लिया है, उसको हम पैन में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर। अब उसको मेल्ट होने तक इसको हम गर्म करेंगे। इसका हमें चाशनी या सिरप नहीं बनाना है, खाली चीनी मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, उतना ही गर्म करना है। तो देखिए, इस तरह से हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, चीनी हमारे बिल्कुल पिघल गई है। गैस को अब हमने बंद कर दिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक कंटेनर लिया है हमने, उसमें हमने फूड पेपर लगाया है, उसको हमने हल्के तेल से ग्रीस कर दिया है। अब एक बोल में हम लेंगे एक कप दूध, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, वो भी हमने वनीला फ्लेवर का लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में हमने आधा कप कस्टर्ड पाउडर लिया है वनीला का। अब इसको हम दूध में डाल देंगे और विस्क कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम चीनी के पानी में डालेंगे तो पानी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो देखिए, अच्छे से हमें इसको विस्क करना है। अब इस पानी में हम इसको मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने गैस नहीं जलाया है, ये पानी को पहले मिक्स कर देंगे चीनी के, उसके बाद में हम गैस को चालू करेंगे। तो हमने गैस चालू कर लिया है, अब इसको हमें कंटिन्यूस चलाना है। अब इसमें हमने थ्रेड्स डाले हैं केसर के, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि इसे हमें कंटिन्यूस चलाना है, हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है और ये लम्स भी इसमें पड़ जाएंगे। तो आप कंटिन्यूस चलाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून घी और इसमें कुछ हमने काजू के टुकड़े करके डाले हैं ताकि हमारी मिठाई शाही बने, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम चलाते रहेंगे कंटिन्यूस गाढ़ा होने तक। तो ये देखिए, लगभग गाढ़ा हमारा हो चुका है, ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो लम्स पड़ जाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल देखिए गाढ़ा हो चुका है और ये रेडी हो चुका है। तो अब चलिए, अब इसको हम कंटेनर में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी मिठाई है जो बहुत कम पैसों में बन जाती है, सिर्फ 25 रुपये में बन गई है ये हमारी मिठाई और झटपट से 10 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब देखिए, इसको हम ऊपर से थोड़ा लेवल कर देंगे और इसमें थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए थे, एलमंड्स और पिस्ता, वो हम इसमें डाल के स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमने डाल दिया। अब स्पैचुला से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि ये इसमें सेट हो जाए। अब इसको हम सेट होने के लिए 1-1.5 घंटे के लिए बाहर रख देंगे और ये 1-1.5 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, 1.5 घंटा हो चुका है और देखिए, हाथ लगा के देख रहे हो, एकदम ये अच्छे से सेट हो गया, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो 1.5-1.75 घंटा में ये सेट हो जाएगा। तो चलिए, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी मिठाई है कि बहुत ही कम पैसे में बन जाती है और बहुत ही जल्दी 10 मिनट में इसको हम बना सकते हैं। और ये जो टेस्ट है इसका, वो लाजवाब है, एकदम शाही मिठाई, हलवाई जैसी, बाज़ार में जैसे मिलती है, एकदम वैसी टेस्ट की। तो अब चलिए, अब इसको हम काट लेते हैं अपने इच्छा अनुसार साइज़ में। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, इस तरह से हम इसको काट लेंगे और इसको हम काफ़ी दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्रिज में रख के। तो देखिए, इस तरह से हम इसको काट लेंगे और मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, देखिए ये अंदर से कैसे लग रहा है। तो ये देखिए, अंदर से एकदम अच्छे से सेट हो गया है, एकदम शाही मिठाई की तरह लग रही है। तो अब जब कभी भी आपका मन करे मीठा खाने का, आप इसे झटपट से बना सकते हैं और ये सबको बहुत ही पसंद आएगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।